नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एक माह सीमांकन कार्य से विरत रहेंगे लांजी क्षेत्र के कोटवार। विषैले जीव जंतुओं के काटने के भय से लिया गया निर्णय। मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ के तहसील शाखा लांजी के कोटवारों द्वारा तहसीलदार को एक आवेदन सौंपते हुए एक माह तक कार्य से विरत रहने की जानकारी से अवगत कराया गया है। अपने आवेदन में कोटवारों ने बताया कि अगस्त माह से सितंबर तक अत्यधिक वर्षा काल का समय होता है, जिसमें उन्हें कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खेत के मेड़ पर कई प्रकार के पौधे एवं बाड़ी एवं रुंधान होता है, जिसमें बहुत सारे विषैले जीव जंतु रहते हैं, जिनके काटने का भय बना रहता है। साथ ही खेतों में बंधियों में कीचड़ होने के कारण फिसलकर गिरने का भी डर रहता है, जिससे ग्राम कोटवारों शारीरिक हानि हो सकती है तथा जान से हाथ धोने की नौबत आ सकती है। इन्हीं सभी बातों को लेकर ग्राम रक्षक कोटवार संघ लांजी की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से एक माह भूमि का सीमांकन संबंधी न करने का निर्णय लिया। इसके अलावा अन्य कार्य यथावत रूप से जारी रहेंगे। उक्त आशय की जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से ग्राम रक्षक कोटवार संघ लांजी अध्यक्ष राजेंद्र भालादरे ने दी थी। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। आज आपके कोटवार संघ के द्वारा किस संबंध को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया? आज हमारे कोटवार संघ के द्वारा नाप जोक और भू स्वामित्व का जो कार्य कराया जा रहा है कोटवारों के द्वारा को, जिससे अभी बरसात के समय में सांप बिच्छू के द्वारा काटने से या फिसल कर गिरने से किसी भी प्रकार की कोटवार को शारीरिक या मानसिक क्षति हो सकती है, इस बातों को ध्यान में रखते हुए कोटवार संघ ने यह निर्णय लिया है कि महासितंबर तक हम लोगों से नापजोक का कार्य नहीं कराया जाए। इसी माध्यम का ज्ञापन हमने माननीय तहसीलदार मौजूद में अर्जुन महोदय को दिया। अगर नापजोक करने में अगर कोटवार की आवश्यकता होती है पटवारी को, तो वो किसको लाएगा अगर नहीं? हम लोग तो बाकी दिन करते हैं, लेकिन हमको दो माह तक, हम लोगों ने माननीय तहसीलदार महोदय से भी ये बात रखा है कि दो माह हमसे ये कार्य नहीं कराया जाए, बाकी दिन हम करेंगे। अभी बरसात का समय है और बरसात के समय में कोटवारों को बहुत बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि जो भी अधिकारी जाता है वो रोड पे अच्छी जगह खड़ा रहता है, हमको कीचड़ में चलना पड़ता है, हमको घास में चलना पड़ता है, हम लोगों को बहुत प्रकार की परेशानियाँ होती है। अगर आपको कुछ होता है तो किसी प्रकार का आपको मानदेय वगैरह कुछ मिलता है वहाँ से? अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी पंचायत चुनाव हुआ, जिसमें हमारे दो साथी मध्य प्रदेश के अंदर दो कोटवारों की मृत्यु हो गई चुनाव ड्यूटी के दौरान, परंतु उनको किसी भी प्रकार का एक रुपए का मानदेय नहीं मिला और किसी प्रकार की कोई राशि नहीं मिली। ये हमारे कोटवार संघ के लिए और शासन को सोचने का विषय है कि कोटवारों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, जबकि उसी समय दूसरे साथियों की अगर मृत्यु होती तो उनको 8 लाख रुपए दिया गया, किंतु हमारे कोटवार साथियों की मृत्यु होने के बाद हमें 1 रुपए भी नहीं मिला। ये शासन का कोटवारों के साथ सौतेला व्यवहार है। हम शासन से आज भी ये मांग करते हैं कि उन कोटवारों की जो मृत्यु हुई है उनको भी उनके बराबर राशि प्रदान की जाए। साहब 2 महीने बरसात पानी में देखते हो आप, कचरा बाड़ी बेला सब लगे, लोगों को गालियां देता है साहब जब बाड़ी बेला भी। देखो भाई, आवेदन देना आवेदन का काम है, स्वीकार करना हमारा काम है और काम करना भी हमारा काम है। दो माह हम तो करते हैं सर, बाकी दिन के लिए मना नहीं करें, दो माह आपसे रिक्वेस्ट है हमारा कि दो माह 2 महीने के लिए बंद रखा जाए, बाकी तो फिर हम करते जा रहे हैं सर, हम काम करने में असमर्थ भी नहीं करेंगे, परंतु 2 माह बंद हो गया। पहले जमाना था कि जून से सीमांकन बंद हो जाते थे, है ना, अब सरकार ने पूरा समय चालू रखा है सर। किसी प्रकार कोई घटना हो जाए, आप देखो सर, चुनाव में दो साथी हमारे मर गए, सबको मानदेय उनका ये मिला राशि भुगतान, साहब एक हरदा जिले में मरा, एक अन्य जिले में देवास में मरा, क्या बताऊँ साहब, पर हमको 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं मिलता। अगर ऐसे प्रकार में किसी प्रकार की घटना घट जाए तो फिर